भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। पहले मुकाबले की बात करें तो 26 दिसंबर को जो है वो दिन मुकर्रर किया गया है पहले मुकाबले के लिए। इसके लिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि विराट कोहली साउथ अफ्रीका से घर वापस यानी कि भारत लौट आए हैं। लेकिन राहत इस बात से भी है कि सीरीज़ के आगाज से पहले वो फिर से साउथ अफ्रीका पहुँच जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर रिपोर्ट्स के हवाले से ये है कि उपनर ऋतुराज गायकवाड़ दोनों टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारत लौट आए हैं। कुछ ही दिन पहले वो साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से उन्हें देश वापस लौटना पड़ा। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज हैं। इसके अलावा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि ये नहीं पता चला है कि विराट कोहली किस वजह से भारत वापस लौटे हैं, लेकिन बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि वो 26 दिसंबर यानी कि आज सेंचुरियन से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए समय पर वापस पहुंच जाएंगे। विराट कोहली टीम मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई से 3 दिन के लिए परमिशन लेकर मुंबई आ गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ को 19 दिसंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान उंगली में चोट लग गई थी। यही कारण है कि वो तीसरे और आखिरी वनडे में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया है और उन्होंने पारी का आगाज किया। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में है। अब पता चला है कि गायकवाड़ के 2 टेस्ट मैचों से पहले ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और टीम मैनेजमेंट ने बीसीसीआई से सलाह लेने के बाद उन्हें तुरंत रिलीज करने का फैसला किया है। उनके शनिवार तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। 30 दिसंबर को समाप्त होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद भारतीय खिलाड़ी केप टाउन जाएंगे, जहां 3 जनवरी को दूसरे और अंतिम टेस्ट शुरू होंगे। आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।